तो मैं ये आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि जो मोहम्मद बिन जैद हैं उनके खिलाफ जो इंडिया के मुसलमान हैं वो कब फतवा जारी कर रहे हैं। और मेरी नजरों में मुजफ्फर भाई इस फतवे की कौड़ी बराबर भी औकात नहीं है। मेरी नजरों में मेरे चप्पल जूतों की औकात बहुत ज्यादा है। मैं उसको भी साफ सुथरा करके अच्छे से पॉलिश वॉलिश करके रखती हूँ, लेकिन इस फतवे की औकात मेरी जुत्ती के बराबर भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल। आपका? मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुबैर। आपका? इरफान खान, इरफान खान। आपका? आसिफ। लेकिन हैं कहाँ के, ओरिजिनली कहाँ के? ओरिजिनल हम पाकिस्तान के हैं। आप भी पाकिस्तान? पाकिस्तान। आप? बांग्लादेश। बांग्लादेश। आप? पाकिस्तान। देखिए, तीन पाकिस्तानी और एक बांग्लादेशी जो है वो मिलके इस मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। एक दूसरे से यही बात कर रहे हैं कि यार बहुत पैसा लगा हुआ है, बहुत पैसा लगा हुआ है, कमाल कर दिया। आज मैं इस भाई को बोल रहा था कि यार ऐसा शायद इंडिया में भी ना हो। इंडिया में मंदिर बनाना गलत है, डेफिनेटली गलत है मंदिर बनाना। अच्छा, अब वो इस्लामी मुल्क है और उसके अंदर मंदिर बन रहा है तो ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। मंदिर जहाँ भी है ये टूटने चाहिए, ठीक है? इस्लाम सच है, इस्लाम ही हक है। इसके अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो फिर जवाबन में मस्जिदें भी टूटेंगी। क्या आप चाहते हैं हिंदू मुस्लिम फसादात हो? इसी भारत में ऐसी भी मुसलमान औरतें हैं जो नंगे से भी नंगा कपड़ा पहनती हैं, उसको वीडियो शूट करती हैं और वो हमारे भारत के पार्लियामेंट में जाती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके। पर आपने उसका नाम भी कभी नहीं सुना होगा, किसी मौलवी मुल्ला ने भारत के उसके ऊपर फतवा भी नहीं जारी किया होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, इलियासी साहब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ शामिल हो गए थे तो उनके ऊपर फतवा जारी हो गया था, वो भी पाकिस्तान से। वो हिंदुस्तानी है लेकिन फतवा पाकिस्तान से उनके ऊपर जारी हो गया था क्योंकि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो गए थे। अब UAE में, अबू धाबी में शेख साहब मोहम्मद बिन जायद साहब ने पूरा मंदिर बनवा दिया है, प्राण प्रतिष्ठा भी करवा दिया है, उनके ऊपर पाकिस्तान से फतवा क्यों नहीं जारी हो रहा है? नहीं होगा ना, वो लोग औकात दिखा देंगे पाकिस्तान की। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। भारत के जो नामी गिरामी मुसलमान है, जो जिनके जेब में फतवा पड़ा होता है फौरी निकाल कर नाजी अली खान के नाम पर जारी कर देते हैं, उमर अहमद लियासी के नाम पर जारी कर देते हैं, इधर पाकिस्तान में मुजफ्फर के नाम पर जारी करते हैं, और भी इस तरह बहुत सारे लोग हैं कि जो अगर सच्ची बात करते हैं तो उनके खिलाफ फौरी तौर पर फतवा जारी हो जाता है। तो मैं ये आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि जो मोहम्मद बिन जैद हैं उनके खिलाफ जो इंडिया के मुसलमान हैं वो कब फतवा जारी कर रहे हैं, ये बताइएगा मुझे। देखिए, इलियास साहब ने भी बहुत जबरदस्त रिप्लाई दिया था जिसने फतवा जारी किया था। नाजिया इलाही खान तो खैर बहुत जबरदस्त रिप्लाई दे चुकी है और मेरी नजरों में मुजफ्फर भाई इस फतवे की कौड़ी बराबर भी औकात नहीं है। मेरी नजरों में मेरे चप्पल जूतों की औकात बहुत ज्यादा है। मैं उसको भी साफ सुथरा करके अच्छे से पॉलिश वॉलिश करके रखती हूँ, लेकिन इस फतवे की औकात मेरी जुत्ती के बराबर भी नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर कह देना चाहती हूँ कि मेरा जो देश है, जिस देश से मैं अभी बैठी हुई हूँ और आपसे बात कर रही हूँ, ये संवैधानिक देश है। यहाँ पर जिसको भी शरिया लॉ चलाने की कोशिश भी करनी है, एक तो पहले बहुत सारे उदाहरणों को इसके साथ मैं फतवा जारी करने वाले को मैं नंगा कर देती हूँ, और दूसरा कि जिसको शरिया चलाना है वो सीरिया चला जाए, वो पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि अब तो वो अरब में जाने के काबिल नहीं है। हमारे अरकान जो है उसमें सबसे अफजल अरकान जो है वो हज और उमरा है, तो क्या पाकिस्तान के मुसलमान या भारत के मुसलमान हज और उमरा बॉयकॉट कर सकते हैं? क्योंकि वहां पर तो भाई 27 एकड़ की जमीन पर और जहां पर उंगली रखा मोदी जी ने वहीं पर लकीर खिंचाई और वहीं पर मंदिर बन गया। कल बहुत खूबसूरत भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पाकिस्तान के मुसलमान और भारत के मुसलमानों की खुजलियां बंद भी नहीं हुई थी कि फिर 14 फरवरी को और वो भी एक ऐसी जगह पर हुई है जहां पर हर पूरी दुनिया का मुसलमान नमाज पे और मुसल्ला बिछाकर जानमाज पर रो रो कर दुआएं करता है कि अल्लाह एक बार मुसलमान को नसीब कर दे कि वो अरब चला जाए और वो हज और उमरा करके आए। ऐसी जगह पर 23 एकड़ की मंदिर बनी है और बहुत नक्काशी और तराशी वाली खूबसूरत मंदिरें बनी है। देखिए, पाकिस्तान में अगर आप शिक्षित बातें करेंगे या भारत में मैं शिक्षित बातें करूंगी तो हमारे ऊपर फतवा जारी होगा। हम
तहजीब तमीज के साथ हिंदू धर्म के सिविलाइजेशन और कल्चर को, सभ्यता और संस्कार को मिला करके अपने देश की तरक्की की बात करेंगे तो मैं गालियां तो सुनूं, लेकिन मैं कुछ ऐसे हिंदू और मुसलमानों के का उदाहरण अभी आपको देना चाहूंगी जिनके ऊपर कभी फतवा जारी नहीं होता है, जिन्होंने अश्लीलता की हदों को पार किया हुआ है। और इसी भारत में ऐसी भी मुसलमान औरतें हैं जो नंगे से भी नंगा कपड़ा पहनती हैं, उसको वीडियो शूट करती हैं और वो हमारे भारत के पार्लियामेंट में जाती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके, पर आपने उसका नाम भी कभी नहीं सुना होगा, किसी मौलवी मुल्ला ने भारत के उसके ऊपर फतवा भी नहीं जारी किया होगा। अब मैं आपके दर्शकों को उनसे रूबरू करवा देती हूँ, उनसे मुलाकात करवा देती हूँ। इनका नाम है नुसरत रूही जहान। अच्छा। इनका नाम, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं पर कुछ ज्यादा ही अश्लील है, तो यही सबसे थोड़ा सा बैलेंस दिखा, तो मैं आपको बड़ा भाई बोलती हूँ, ये बैलेंस मैंने आपको दिखा जी। अब इन्होंने पहली शादी इन्होंने जिससे मंगनी किया था वो नुसरत जहान जी ने, वो बलात्कारी निकला। उसने अपनी गाड़ी में दारू वारू पी करके, पार्क होटल, वेस्ट बंगाल में पार्क होटल है, उसके तांत्रा पब से नाच गा करके एक कृष्ण लड़की को धर दबोचा इनके मंगेतर ने, और बलात्कार दो भाइयों ने मिलकर के किया और उसको गटर में छोड़ दिया। अभी एक तो जेल खट के बाहर आ चुका है रेमिशन ग्राउंड पर, और एक अभी जो है इनका जो मंगेतर है वो अभी भी जेल में। चलिए, एक इंगेजमेंट की बात मैंने बता दी, वो भी मुसलमान बलात्कार करने वाला, और बलात्कारी की जो होने वाली बीवी थी वो भी मुसलमान। फिर इन्होंने शादी किया एक जैन फैमिली के इंसान से, उसको भी इन्होंने धोखा दे दिया और बाहर विदेश में शादी हुई। जैसे ही आई ये भारत, इन्होंने कहा कि वो शादी हम मानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो तो बाहर भारत के हिसाब से तो ये शादी ही नहीं है। दौरान इन्होंने कह दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अभी इनके साथ घूम रही है जो बॉयफ्रेंड है। तो क्या आपने कभी भी नुसरत रूही जहान के नाम का फतवा कभी भी सुना कि भारत में उठी है इसकी बात? आपको मैंने इनके इनकी हरकतों को भी दिखा दिया है, और वो भी मैंने खोज करके बहुत बैलेंस वाला निकाल करके दिखाया है, हालांकि चड्डी चुड्डी में भी बहुत सारा है तो वो मैंने नहीं दिखाया, मुझे लिहाज हो गया क्योंकि मैं आपको भाई नहीं आया ना। वेस्ट बंगाल में श्रीमती ममता बैनर्जी ने हिंदू से अजान दिलवाया था, और वो ईद की नमाज में मर्दों के भीड़ में, 1-2 लाख मर्दों के भीड़ में वो जाती हैं और प्रोवोकेटिव हेट्रेट और पॉलिटिकल स्पीच देती हैं। क्या आपने कभी फतवा सुना? नहीं। एक है मौलाना शफीकुर रहमान, वो हुक्का बार का, हुक्का पब का इनॉग्रेशन करने जाते हैं, क्या आपने कभी फतवा सुना? इमाम बुखारी के बेटे ने जब हिंदू से शादी किया, आपने कभी फतवा सुना? नहीं सुना नहीं। होगा। फारूक अब्दुल्ला के बेटे ने, उमर अब्दुल्ला ने जब हिंदू से शादी की, आपने कभी फतवा सुना? नहीं सुना। महबूबा मुफ्ती की दोनों बेटियां बॉम्बे के लोखंडवाला में छोटी छोटी चड्डी पहन करके घूमते रहती है, क्या आपने कभी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ फतवा सुना? नहीं सुना। नहीं। तो जो हर वो व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कर्तव्यों को और उनके कार्य की प्रशंसा करेगा उसके ऊपर फतवा जारी होगा अगर वो मुसलमान है। दोस्तों, जब नाजिया इलाही खान मैम बोल रही हूँ तो किसी दूसरे के बोलने की गुंजाइश ही नहीं होती है, पूरा धो के रख देती हैं, पूरा बखिया उधेड़ के रख देती हैं वो। तो आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।